हमको साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे संगठन में मैं किसी लायक नहीं था। दो दो बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को दो बार टिकट दिया। और मेरा भी कर्तव्य बनता था, हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर सख्त सरकार। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने जारी किए निर्देश। चिकित्सा शिक्षा में प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती से रोक लगाने को कहा। डॉक्टर्स को अब प्रैक्टिस को लेकर प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों को रुकने की बड़े स्तर पर व्यवस्था की तैयारी हो रही है। केदारनाथ धाम में एक दिन में रुक सकेंगे 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु। रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक अलग अलग जगह लगाए जाएंगे बड़े बड़े टेंट और पंडाल। देश में कोरोना फिर पकड़ रहा है रफ्तार। 24 घंटे में दर्ज हुए 2,380 नए मामले, 56 लोगों की मौत, 1,231 लोग डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमण के कुल मामले हुए 4,30,49,974। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी, 13,433 मामले हुए अब तक। 4,25,14,479 लोग कोरोना से हो चुके हैं रिकवर। इसके अलावा 5,22,062 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। हापुड़ के धौलाना में गेहूं की फसल में अचानक लगी भयंकर आग। किसानों से सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी भी आग बुझाने में जुटे। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक जल चुकी थी फसल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक पलटने से बाजार में लगी भयंकर आग। आग की जद में आए कई मकान और दुकानें, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हुई। परिवार ने भाग कर बचाई जान। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के बीएसए रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। शोरूम के गोदाम में रखे एसी और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख। बांदा में शॉर्ट सर्किट से बिजली का एक बड़ा ट्रांसफार्मर और 10 छोटे ट्रांसफार्मर जलकर राख हो चुके हैं। आग की चपेट में कई झोपड़ियां और दुकानें भी आ गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। लखनऊ के बाजार खाला के चार मीनार रोड पर घर में लगी आग, मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई। औरैया में अज्ञात कारणों की वजह से गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। जनपद में नहीं थम रहा आग लगने का सिलसिला। चंदौली के साहुपुरी के पावर प्लांट के बाहर लगी आग, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप से निकाले गए स्क्रैप में ये आग लगी। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सोसाइटी में फ्लैट में लगी भीषण आग, तेजी से निकला धुआं। पाम ओलंपिया सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर लगी भीषण आग।